नंबर एक पर है थैंगमेर कुपरुवा कात्रू, 2010 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 7.1, बजट था 75 लाख, कलेक्शन था 2 करोड़ और इस फिल्म को हिट का टैग मिला था। नंबर दो पर है पिज्जा, 2012 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 8, बजट था 1.5 करोड़, कलेक्शन था 10 करोड़ और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। नंबर तीन पर है नडुगुला कॉन्जम पक्का था कानम, 2012 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 8.2, बजट था 80 लाख, कलेक्शन था 6 करोड़ और इस फिल्म को सुपरहिट का टैग मिला था। नंबर चार पर है सुधुकवम, 2013 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 8.3, बजट था 2 करोड़, कलेक्शन था 35 करोड़ और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। नंबर पांच पर है रमी, 2014 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 4.8, बजट था 3 करोड़, कलेक्शन था 2 करोड़ और इस फिल्म को फ्लॉप का टैग मिला था। नंबर छह पर है पन्नियारम पद्मिनियम, 2014 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 7.8, बजट था 2 करोड़, कलेक्शन था 3 करोड़ और वर्डिक्ट था एवरेज। नंबर सात पर है बनमम, 2014 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 4.9, बजट था 4 करोड़, कलेक्शन था 2 करोड़ और फिल्म को फ्लॉप का टैग मिला था। नंबर आठ पर है ऑरेंज मिठाई, 2015 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6.5, बजट था 1.5 करोड़, कलेक्शन था 3 करोड़ और वर्डिक्ट था एवरेज। नंबर 9 पर है नानम राउडी धान, 2015 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 7.2, बजट था 15 करोड़, कलेक्शन था 55 करोड़ और इस फिल्म को सुपरहिट का टैग मिला था। नंबर 10 पर है सेतुपति, 2016 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 7.1, बजट था 10 करोड़, कलेक्शन था 25 करोड़ और फिल्म को सुपरहिट का टैग मिला था। नंबर 11 पर है कधलम कधधु पोगम, 2016 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 7.4, बजट था 8 करोड़, कलेक्शन था 13 करोड़ और इस फिल्म को हिट का टैग मिला था। नंबर 12 पर है इरिबी, 2016 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 8, बजट था 12 करोड़, कलेक्शन था 17 करोड़ और इस फिल्म को हिट का टैग मिला था। नंबर 13 पर है धर्मादुराई, 2016 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 7.5, बजट था 13 करोड़, कलेक्शन था 21 करोड़ और इस फिल्म को सुपर हिट का टैग मिला था। नंबर 14 पर है अंडावन कतालाई, 2016 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 8.1, बजट था 10 करोड़, कलेक्शन था 20 करोड़ और इस फिल्म को हिट का टैग मिला था। नंबर 15 पर है रेक्का, 2016 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 5, बजट था 12 करोड़, कलेक्शन था 10 करोड़ और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुआ था। नंबर 16 पर है कवन, 2017 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 7.1, बजट था 25 करोड़, कलेक्शन था 35 करोड़ और इस फिल्म को सुपर हिट का टैग मिला था।